दोस्तों, हम सभी बहुत ही लंबे टाइम से BTS का इंडिया आने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि BTS का इंडिया आने का बिल्कुल भी मन नहीं। और दोस्तों, मैं ये बात इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आप में से काफी सारे आर्मीज को शायद नहीं पता होगा, लेकिन हमारे BTS के मेंबर सुगा यानी अगस्त दी का सोलो कॉन्सर्ट और सोलो वर्ल्ड टूर लॉन्च हो गया है। पर दोस्तों, शॉकिंग बात तो ये है कि इस बार भी उनके वर्ल्ड टूर में इंडिया का नामो निशान नहीं, जिसके बाद इंडियन आर्मीज बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड और लेफ्ट आउट फील कर रही हैं। तो दोस्तों, आप में से काफी सारी आर्मीज को पता होगा कि BTS के मेंबर्स ने अपनी सोलो ट्रिप्स और सोलो प्रोजेक्ट्स स्टार्ट कर दिए हैं, जिसके बाद वो ऑलरेडी बहुत ही सारी कंट्रीज में विजिट कर चुके हैं। इवन J-Hope तो काफी सारे कॉन्सर्ट्स और परफॉर्मेंस भी दे चुके हैं, लेकिन कहीं पर भी इंडिया का नाम नहीं था। और इतना इंतजार करने के बाद जब हमारे BTS के मेंबर सुगा का सोलो टूर लॉन्च हो गया है, वहां पर भी इंडिया का नाम नहीं देखा गया है। दोस्तों, रिसेंटली हमारे सुगा वीवर्स ऐप पर लाइव आए थे, जहां पर वो आर्मी से काफी सारी बातें कर रहे थे। और दोस्तों, उनके लाइव के बीचों बीच ही उनके वर्ल्ड टूर की कॉन्सर्ट की फोटोज और उनकी न्यूज अनाउंस करी गई, जिसके बाद सुगा काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गए और आर्मीज भी उनसे इस बारे में पूछने लगी। हालांकि दोस्तों, इंडियन आर्मीज भी ऑब्वियसली इस न्यूज को लेकर बहुत एक्साइटेड थी, और जब वो वीवर्स और उनके ट्विटर नोटिफिकेशन को देखने गई, तब उनकी ये एक्साइटमेंट डिसअपॉइंटमेंट में बदलने में देर नहीं लगी, क्योंकि दोस्तों, देखा गया कि सुगा का ये कॉन्सर्ट US, एशिया, कोरिया और जापान में होने वाला है, लेकिन एशिया में जिन कंट्रीज का नाम है उसमें सिर्फ और सिर्फ जकार्ता, बैंकॉक और सिंगापुर है। दोस्तों, इंडिया का नामो निशान यहाँ पर नहीं देखा गया, जिसके बाद इंडियन आर्मीज को काफी ज्यादा बुरा लग रहा है। दोस्तों, सुगा का ये वर्ल्ड टूर अप्रैल में स्टार्ट होने वाला है, जहां पर सबसे पहले US में ये कॉन्सर्ट बेलमॉन्ट पार्क, न्यूयॉर्क, रोजमॉन्ट, लॉस एंजलिस और ओकलैंड में किया जाएगा, जिसके बाद वो मई में एशिया आएंगे, जहां पर वो जकार्ता, बैंकॉक और सिंगापुर में परफॉर्म करेंगे, और उसके बाद वो वापस कोरिया जाएंगे और फिर जापान में परफॉर्म करेंगे। हालांकि दोस्तों, जापान में स्टेडियम के नेम अभी अपडेट नहीं किए गए हैं और डेट्स भी नहीं पता है, लेकिन बाकी सारी कंट्रीज में स्टेडियम का नाम डेट के साथ अपडेट कर दिया गया है, जिसकी वजह से ये बात तो श्योर है कि अब इस लिस्ट में किसी भी और कंट्री का नेम ऐड नहीं होगा, क्योंकि एशिया कॉन्टिनेंट में सिर्फ और सिर्फ 3 ही कंट्रीज में सुगा का ये कॉन्सर्ट होने वाला है। दोस्तों, इंडियन आर्मीज बहुत ज्यादा गुस्सा हो चुकी हैं, क्योंकि जब रिसेंटली BTS की वीडियो रिलीज हुई थी, तब उन्होंने बताया था कि वो इंडिया जनरली आना चाहते हैं, और पिछले कॉन्सर्ट में उन्होंने इंडिया आने की प्लानिंग भी कर ली थी। लेकिन दोस्तों, अब जब फाइनली किसी एक मेंबर का वर्ल्ड टूर हो रहा है, तो आखिर इंडिया को इंक्लूड क्यों नहीं किया गया है, ये एक बड़ा सवाल है। तो दोस्तों, मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए कि क्या आप इस न्यूज को सुनने के बाद खुश हैं कि BTS के अगले कॉन्सर्ट में भी इंडिया को इंक्लूड नहीं किया गया। साथ ही साथ आप अपने कमेंट्स और व्यूज इंस्टाग्राम पे भी मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।